नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी टिकट उसको देगी जो जनता के दिलों में राज करता है। राजस्थान में गहलोत सरकार के कामकाज से जनता खुश है और उनके बीच कोई एंटी इनकम बेसी नहीं है। उदयपुर के डबोग स्थित महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए डोटासरा ने कहा कि विधानसभा सीट के लिए बाहरी दावेदार आते हैं, यहाँ प्रजातंत्र की खूबसूरती है, कोई कहीं से भी दावेदारी करे टिकट एक को ही मिलेगा, 100 को नहीं। उन्होंने कहा कि टिकट उसको मिलेगा जो अपने इलाके में जनता के दुख दर्द से भागीदारी निभाता है, पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहा है, लोग जिसको पसंद करते हैं उनको टिकट देते हैं। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में सरकार ऐसी योजनाएं लेकर आई जिससे प्रदेश के लोग मजबूत बने, आमदनी बढ़ने की बात हो, बेरोजगारों को रोजगार देने को लेकर उद्योग स्थापित करने की बात हो। उन्होंने कहा कि आज नई युवा पीढ़ी व बुद्धिजीवी वर्ग ये जानना चाहता है कि आगे आपका विजन क्या है, इसलिए 2030 विजन के रूप में देख रहे हैं। वो बोले कि कांग्रेस का संगठन मजबूत है, गहलोत सरकार ने अच्छे काम किए हैं और इसके प्रभाव भी सामने आ रहे हैं, जनता में सरकार के प्रति कोई एंटी इनकम बेसी नहीं है। राजस्थान में अगले महीने करीब 52 लाख लोगों को राशन के गेहूं मिलना मुश्किल होगा। केंद्र सरकार की ओर से हर महीने जो राज्य को गेहूं आवंटित किया जाता है उसमें से करीब 26,000 मीट्रिक टन की कटौती की गई है। केंद्र के इस निर्णय के बाद राज्य में फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। वो आनन फानन में अब दिल्ली गए हैं, जहाँ केंद्रीय अधिकारियों के संग राज्य के गेहूँ के स्टॉक का कच्चा चिट्ठा रखेंगे। दरअसल केंद्र राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत हर महीने 2.30 लाख मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन राज्य सरकार को करता है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.7 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हर महीने फ्री बांटा जाता है। इस महीने केंद्र सरकार ने सितंबर के आवंटन में कटौती कर दी, ये कटौती 56,000 मीट्रिक टन की हुई, आवंटन केवल 1.74 लाख मीट्रिक टन ही किया। राज्य सरकार के पास वर्तमान में 30,000 मीट्रिक टन का स्टॉक है, ऐसे में राज्य में सितंबर माह में गेहूं बांटने के लिए राज्य सरकार के पास केवल 2.4 लाख मीट्रिक टन ही गेहूं है, इस तरह 26,000 मीट्रिक टन गेहूं कम है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग में खोज एवं उत्खनन अधिकारी के एक और संग्रहालय अध्यक्ष के 9 पदों पर भर्ती के लिए कैंडिडेट्स कल यानी 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग की ओर से आवेदन का प्रोसेस 26 जुलाई से शुरू किया गया। कैंडिडेट्स की उम्र 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम 21 साल व अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। सिलेक्शन लिखित एग्जाम के माध्यम से होगा। इस परीक्षा का आयोजन माह नवम्बर 2023 में किया जाना संभावित है। परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में बाद में सूचित कर दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, विषयवार पदों की संख्या, वर्गवार वर्गीकरण और अन्य जानकारी संबंधित विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राहुल गांधी 12 तुगलक लेन वाले घर में वापस नहीं रहना चाहते हैं। बुधवार 23 अगस्त को बंगले में वापसी का जवाब देने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। बंगले में वापसी के लिए 15 दिन के अंदर राहुल को लोकसभा कमेटी को जवाब देना था, जिसके लिए उन्होंने औपचारिक रूप से इनकार कर दिया है। इस बंगले में राहुल गांधी 19 साल से रह रहे थे। मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद 22 अप्रैल को उन्हें ये बंगला खाली करना पड़ा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक वे इन दिनों घर के लिए कुछ और ऑप्शंस भी खोज रहे हैं। राहुल 16 अगस्त को बहन प्रियंका के साथ सफदरजंग देखने गए थे। ये बंगला पहले महाराजा रणजीत सिंह का था। घर छोड़ते वक्त राहुल ने कहा था कि उन्हें सच बोलने की सजा दी गई है, वो घर उन्हें भारत के लोगों ने दिया था, बावजूद इसके वो घर में वापस नहीं जाना चाहते जो उनसे छीन लिया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत श्रीलंका में चल रहे संकट के बीच उसकी तरफ से हर मदद जारी रखेगा। जयशंकर वीडियो लिंक के जरिए श्रीलंका भारत पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन के सांसदों को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि हम भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस दौरान श्रीलंका में भारत के डिप्लोमेट गोपाल बांगले भी सांसद में मौजूद थे। बांगले ने कहा कि दोनों देशों के बीच फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, करेंसी सपोर्ट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के क्षेत्रों में साझेदारी और बढ़ेगी।
सांसदों ने पिछले साल श्रीलंका के आर्थिक संकट के समय भारत की तरफ की गई मदद को याद किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि उनके देश का इस्तेमाल कभी भारत के खिलाफ नहीं किया जा सकेगा। ब्रिटेन और फ्रांस के दौरे पर रवाना होने से पहले रानिल ने कहा था, इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम चीन से कभी मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं करेंगे। चीन और श्रीलंका के रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हमारे देश में चीन का कोई मिलिट्री बेस नहीं है और ना होगा। हम एक न्यूट्रल देश है। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।